हाय गाइस, सो अभी ऑफ लेट आपने सोशल मीडिया या तो न्यूज़पेपर या इवन न्यूज़ चैनल्स में सुना होगा कि ये ब्लैक फंगस कुछ ज़्यादा ही फैल रहा है एंड स्पेसिफिकली वो पोस्ट कोविड पेशेंट्स में देखा गया है। तो ये ब्लैक फंगस डिजीज़ है क्या, होती क्यों है, क्या कॉज करता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसको आप डायग्नोज कैसे करोगे एंड एट दी एंड इसका ट्रीटमेंट क्या है। सो ये सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ एंड प्लीज़ इसको एंड तक देखें। अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल जाए। हाय, मैं हूँ डॉक्टर सुरभि वाधवानी एंड मैं हूँ एक प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट इंदौर से। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें ऐसे और वीडियोस को लेके। सो कमिंग बैक टू जो आज के वीडियो का टॉपिक है कि ब्लैक फंगस। नाउ ब्लैक फंगस नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एक फंगल डिसीज़ है एंड क्योंकि इसका एक क्लिनिकल सिम्टम यानी कि एक जो जिसको मैं बोलूँ कि जो आपको एक साइन दिख सकता है वो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, इस वजह से इसको नाम दिया गया है ब्लैक फंगस डिजीज़। इसका एक्चुअल नाम है म्यूकॉरमाइकोसिस, जो आई नो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल टर्म है बट इट वाज जस्ट फॉर यू गेटिंग अपडेटेड ऑन इट। नाउ यूजुअली ये एक बहुत रेयर डिजीज़ है जो हर जने में नहीं देखी जाती है, एक सिलेक्टेड पॉपुलेशन में ही सिर्फ देखने को मिलती है। लेकिन अभी ये कोविड के रिकवरी वाले पेशेंट्स में अभी ऑफ लेट इन द लास्ट 1 to 2 मंथ्स बहुत ज़्यादा देखने को मिली है एंड दैट इज़ वाई ये एक्चुअली में एक कंसर्न वाली चीज़ है एंड इसलिए मैं आज ये वाला वीडियो इस बारे में डेडिकेट करने वाली हूँ। नाउ ब्लैक फंगस को जो फंगस कॉज करता है वो हर जगह मिलेगा, आपको आपके सॉइल में मिलेगा, हवा में मिलेगा, खाने में भी मिल सकता है एंड आपके इवन नाक के अंदर भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं ना तो ये फंगस आपको कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रांग है इस चीज़ को फाइट करने के लिए। लेकिन कोविड के बाद में इम्यूनिटी को थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है क्योंकि वो वायरस आपकी इम्यून सिस्टम को अटैक करता है एंड इसकी वजह से ये फंगस की डिजीज़ आपको बहुत ईजिली हो सकती है। एंड अगर इसका आपने प्रॉपर टाइम से ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। सो बिफोर वी गेट इनटू द फाइनल ट्रीटमेंट या इसके क्या डायग्नोसिस कैसे करेंगे, मैं आपको इसके सिम्टम्स बताने वाली हूँ एंड इन केस अगर आपको या आपके नियर बाय नेबर्स या आपके घर वालों में से किसी में भी आपको ये सिम्टम्स मिले ना तो प्लीज़ वेट मत करिएगा, फटाफट ENT से कंसल्ट करके उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाइएगा। तो ये सिम्टम्स क्या हैं ना, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो देखने को मिलता है इज़ दैट कि बहुत ज़ोर से हेडेक हो रहा होता है, या तो सिंगल साइड पे आपको सूजन आ जाती है, आपको सिर्फ गाल पे सूजन हो सकती है, सिर्फ आँख के अराउंड सूजन हो सकती है। टू एन एक्सटेंट ये भी हो सकता है कि आपको आँख वो वाली आँख से धुंधला दिखने लग जाए या इवन वहाँ की विजन चली जाए। उसके अलावा आपको अगर मुंह के अंदर रिलेटेड की बात करें तो आपको तालू पे यानी कि पैलेट पे ब्लैक स्पॉट्स दिख सकते हैं, आपको सडनली दांत में दर्द हो सकता है फॉर नो गुड रीज़न, इवन तो आपके दांत में ना कैविटी है ना कुछ है बट आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ऐसा लग सकता है आपको ओवर लाइक फ्यू डेज़ में कि वो दांत हिलने लग गया है एंड बाकी के आपके सारे दांत बिल्कुल सही हैं। यूजुअली ये वाले सिम्टम्स जो दांत वाले हैं ना ये ऊपर वाले दांतों में मिलते हैं क्योंकि आपको ये वाले एरिया पे वो फंगस अफेक्ट करता है। इसके अलावा आपको साइनसाइटिस हो सकता है, इन केस अगर आपको ऑलरेडी साइनसाइटिस की प्रॉब्लम रहती है तो ये साइनसाइटिस ऐसा है जो एंटीबायोटिक से भी ठीक नहीं होता है। कई बार इवन आपके मसूड़ों में से भी खून निकल सकता है। सो इफ़ आइदर ऑफ दीज सिम्टम्स आर सीन या आपको ये कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं तो प्लीज़ डिले ना करें एंड फटाफट ENT के साथ कंसल्ट करके इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, नहीं तो जैसे मैंने बोला ये जानलेवा बीमारी है या लाइफ थ्रेटनिंग है एंड हम में से कोई भी ये चीज़ अब नहीं ले सकेगा ना। इसके कॉजेज़ क्या हैं या मैं अगर बोलूँ कि कौन से स्पेसिफिक ग्रुप्स अफेक्टेड हो सकते हैं इस चीज़ से, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि हर जना ब्लैक फंगस डिजीज़ को नहीं लेगा बट ओनली एक सर्टेन ग्रुप ऑफ लोगों में ये ब्लैक फंगस डिजीज़ होने के रिस्क ज़्यादा है। नाउ ये कंडीशंस कौन सी हैं या ये रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, पहला इज़ दैट अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है यानी कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, सेकेंड अगर आप स्टेरॉइड्स को बहुत लंबे समय से ले रहे हैं या आपको कोविड बहुत लंबे समय से हुआ है एंड आप स्टेरॉइड्स पे हैं, देन अगेन आप एक रिस्क ग्रुप में हैं। तीसरा इस अगर आपका हॉस्पिटल स्टे 40 या 50 डेज़ के टाइम से अराउंड रहा है, अगेन आप रिस्क फैक्टर पे हो। आपका अगर अभी रिसेंटली ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो या आप कैंसर की ट्रीटमेंट पे हो जिनमें इम्यूनिटी को सप्रेस करने के ड्रग्स दिए जाते हैं, देन अगेन आप रिस्क पे हो। सो ये थे सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ अगर आप स्पेसिफिकली जब आप ENT के पास जाते हैं एंड आप ये रिस्क ग्रुप्स में हैं, आपको इनमें से कोई ऊपर वाले जो सिम्टम्स मैंने मेंशन किया अगर वो हैं, तो आपसे ENT ये तीन चीज़ें करवाएगा। पहली चीज़ वो करवाएगा एक CT स्कैन, या तो वो साइनस एरिया की करवा सकता है या लंग्स की करवा सकता है। दूसरा वो करवाएगा इस या तो बायोप्सी करवाएगा या वहाँ की फ्लूइड यानी कि वहाँ से फ्लूइड विड्रॉ करके उसको एनालिसिस पे भेजेगा। तो बाय द टाइम ये चीज़ों के रिजल्ट्स आ जाते हैं विच माइट टेक इवन 48 आवर्स टू 72 आवर्स, टिल देन आपको वो एक मेडिसिन पे रखेंगे। नाउ ये मेडिसिन ऐसी नहीं है कि आप जाएं एंड ओवर द काउंटर उठा के कोई भी चीज़ खाने लग जाएं या गूगल करके देख लें कि हाँ इसका डोजेज ये है तो मैंने इतना ही क्वान्टिटी खाना है। नहीं, ये मेडिसिन का डोज विल डिपेंड ऑन कि आपको कितनी सीवियरिटी से ये इन्फेक्शन हुआ है, कितना ज़्यादा फैला हुआ है। हो सकता है आपको इंजेक्शन तक दी जाए रादर देन सिर्फ टैबलेट से। सो प्लीज़ विदाउट एन ENT कंसेंट और विदाउट एन ENT गाइडेंस ये मेडिसिन को कभी भी ना लें, क्योंकि ये हो सकता है कि या तो आपकी बीमारी जानलेवा हो सकती है या ये मेडिसिन जानलेवा हो सकती है, बिकॉज ये मेडिसिन बहुत टॉक्सिक हैं आपकी बॉडी के लिए। सो ये जो मेडिसिन दी जाएंगी अंडर गाइडेंस ली जाएँ, उनके अलग अलग स्टेजेस हैं जो ऑब्वियसली ENTs आपको बेटर गाइड कर सकते हैं, तो इनको ज़रूर फॉलो करें एंड देयर इज़ अ हाई चांस दैट यू विल रिकवर फ्रॉम इट। जितना ज़्यादा आप डिले करेंगे, जैसे कि मैंने बोला कि ये जानलेवा है, एंड टू दी एक्सटेंट ये भी हो सकता है कि अगर वो इतना ज़्यादा फैल जाए एक रीजन में तो आपकी आँख निकाली जा सकती है या आपका जबड़ा निकाला जा सकता है। एंड दीज आर ऑल वेरी टॉर्चरस, वेरी ट्रॉमेटिक, एंड इट इज़ रियली लाइक मतलब कुछ भी बोलो वो आपकी ना लाइफ बर्डन जैसा होने लगता है। तो इस सिचुएशन से अगर आप बचना चाहते हैं तो प्लीज़ टाइम से यू नो इस चीज़ को ट्रीट करवा लें एंड आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। नाउ ये था ब्लैक फंगस डिजीज़ को लेके। आई होप अगर आपके दिमाग में आपको समझ में आ गया हो, एंड बाय चांस आपके दिमाग में और कोई भी डाउट्स हों इसके रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं अपने क्वेश्चंस, या हमें सोशल मीडिया चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं। ऑल्सो एक चीज़ जो मैं सजेस्ट करूँगी इज़ बिकॉज आप कोविड से रिकवर करें तो आपकी ओरल हाइजीन का ध्यान बिल्कुल रखें। ओरल हाइजीन के रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप किसी भी लिंक को यूज़ करके अपने लिए प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं। इसके अलावा आई होप आप सेफ़ हैं, हेल्दी हैं, एंड सारे जो कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं यानी कि मास्क पहनना, सैनिटाइज़र को यूज़ करना एंड सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करना, ये आप सब कर रहे हैं ताकि आप आगे भी सेफ़ एंड हेल्दी रहें। So till we meet again in our next video, keep smiling and be happy.